नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जी। खबर गाजियाबाद से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट टीवी पे वाटर कैनन की तस्वीरें देखकर बेहोश हो गया। तस्वीरें में पुलिस भीड़ में खड़े कुछ लोगों पर ठंडे पानी की तेज बौछारें मार रही थी, जिसे देखकर उसे इतनी ठंड लगी कि वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने के बाद वहीं अपनी गंदी रजाई में बेहोश हो गया। अधिक बातचीत के लिए चलते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास, जो खुद सर्दियों में हर महीने के 32 तारीख को नहाते हैं। बताइए रिंकू, क्या है यह पूरा रायता? थोड़ी बूंदी डालिए। रिंकू, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह कमसिन कुमार टीवी पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देख रहा था, तभी मैच में ड्रिंक्स ब्रेक आ गया। कमसिन को पानी से इतना डर लगता था कि वो ड्रिंक्स ब्रेक में पानी की बोतल देखने से भी डरता था, इसलिए उसने फौरन चैनल चेंज कर दिया। चैनल सर्फ करते करते वो अचानक एक सुंदर एंकर को देखकर एक न्यूज चैनल पर रुक गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझा पाती, स्क्रीन पर ऐसी तस्वीरें आ गई जिसमें पुलिस भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे देखते वो बेहोश हो गया। रिंकू, बीच में खबर ये भी आई थी कि ये लड़का वाटर कैनन की तस्वीरें देखकर बेहोश नहीं हुआ, बल्कि अपने ही गंदी रजाई की बदबू से बेहोश हुआ है। इस बारे में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? इस बारे में फोरेंसिक एक्सपर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन दो एक्सपर्ट्स ने मौका वारदात पर कमसिन का कंबल सूंघा था, वो खुद अभी कोमा में हैं, और जिन हेल्पर ने नंगे हाथों से वो कंबल उठाया था, उनके हाथ में भी छाले पड़ गए हैं। ओहो हो, ये तो वाकई बुरा है। खैर, कमसिन के बारे में बताइए, क्या उसे होश आ गया? जी टिंकू, कमसिन होश में आ गया था और सबसे बातें भी कर रहा था, मगर जैसे ही उसे पता लगा कि होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे गए थे, ये सुनकर वो फिर बेहोश हो गया। इस बीच खबर है कि कमसिन कुमार की गंदी रजाई को इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वन विभाग के अध्यक्ष बाप कुमार का कहना है कि कई बार लेपर्ड जंगल से निकलकर शहरी बस्तियों में चले जाते हैं, ऐसे में जाल फेंककर पकड़ने के बजाय हम कमसिन कुमार की गंदी रजाई फेंककर बाघ को बिना इंजेक्शन के वहीं बेहोश करके पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कमसिन कुमार की गंदी बेडशीट्स को जंगल के चारों तरफ लगाने का भी प्लान है, ताकि उसकी बदबू के खौफ से कोई बाघ चीता जंगल से बाहर जाने की कोशिश ही ना करे। यार भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।